हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। सो आज के इस लेक्चर पे हम उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्जाम का 26 तारीख को जो शिफ्ट वन का पेपर हुआ है उस पेपर को लेके आए हैं, जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आप इन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ताकि जो अगले शिफ्ट में जिनका पेपर है उनके लिए आसानी हो, उनको पैटर्न पता चल सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आप पहले से देख सकते हैं कि अध्यक्ष महानगर नगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र की श्रेणी में आता है। ये हिंदी का पेपर है और हिंदी का पेपर आप देखिए, धीरे धीरे करके आप देखते जाइए, और स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा कि इसका सोल्यूशन जो है, शाम तक में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है, वेष्टि का विलोम शब्द पूछा हुआ है, हम चूड़ी पहन रहे इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पास 10 क्वेश्चन हुए, 16 क्वेश्चन हो चुके टोटल। मैं आपको उसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ताकि आपको सारे क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा, ये 17 नंबर क्वेश्चन अर्थ अलंकार वाला। यहाँ पास आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन को आप आसानी से देखिएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ताकि आप भी अगर जल्दी स्क्रॉल हो जाए तो आप वहां पास पहुंच करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। देन देखिए, यहाँ पास नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या, आंखों का तारा मुहावरा पूछा हुआ है। देन देखिए, यहाँ पास थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो 37 नंबर में संयुक्त वाक्य पूछा हुआ है। देन देखिए, यहाँ पास है नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य इन सारे वाक्यों में बताना है। तो यहाँ पास देखिए, पूरे क्वेश्चन आपके लगभग लगभग आपके हिंदी के 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। देन यहाँ पास एक स्लाइड मिसिंग है, तो उसको बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 42 कितने क्वेश्चन यहाँ पास मिसिंग है, 8 क्वेश्चन मिसिंग है, तो मैं इसके क्वेश्चन की प्रोवाइड कर दूंगा जब आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में पीडीएफ बनाने में थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कट गया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पास मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पास रीजनिंग के क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 1973 को निर्मला और राजू को ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई, तो 1957 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन है। तो यहाँ पास दिन पूछा गया 1997 में पूछा गया, ठीक है। तो ये काफी आसान रीजनिंग का क्वेश्चन था। देन देखिए, यहाँ पास आपका क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन में बताना है कौन सा ऑड है, तो इनका रिलेशन आप देख के कर सकते थे। देन देखिए, यहाँ 5:20 पर घड़ी घंटी सुई दी हुई है, 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पास हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो आप अभी इसी हिसाब से देख के जाएंगे जिनका भी शिफ्ट में। देखिए, यहाँ पास पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 58 पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से कर सकता है जो भी। ये देखो, डाइस का सेम पैटर्न, ऐसे पैटर्न पिछले साल भी पूछा हुआ था। सो यहाँ पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि डॉक्टर यानी कि वेन, इससे हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या था, फ्रिस्टि का दिया हुआ था, जो डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं, इसको बताना था। देन यहाँ पास आपको क्या, त्रिभुज गिनने के लिए पूछा हुआ था कि आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई। देन आप देखिए, क्वेश्चन में डी के द्वारा आइटम यह पैराग्राफ भी दिया हुआ है। देन यहाँ पास है, ऐसे प्रत्येक आठ गिने जो ठीक पहले या नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, ये वाला तो इजी था। कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हैं, ऐसा नहीं कि लेंदी, 7-8 क्वेश्चन लेंदी है, जो डिफिकल्ट है, जो बहुत ही अच्छी तैयारी की है वो कर ले जाएगा। बाकी इसमें आप 40 क्वेश्चन तक कर सकते थे, जो भी हिसाब है। देखिए, इस क्वेश्चन की क्या है कि आप प्रश्न आकृति में छूटे गए हुए भाग को पहचान करना है, तो इसमें जो भी भाग है इसका पहचान करना है। तो मैं इसकी सोल्यूशन जो है आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, रीजनिंग का, हिंदी का और आपका जीएस का, इन तीनों सब्जेक्ट का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पास क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति का सही जल प्रतिबिंब, देखो इसको जल प्रतिबिंब बताना है, तो नीचे आपको करना था जल प्रतिबिंब करने के लिए। देन आपका यहाँ पास क्वेश्चन देखते जाइए, किसी कूट भाषा में, देखो 90 नंबर इसको ये कहा जाता है, तो होमलेस को क्या कहा जाएगा। देन आप देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जीएस का पोर्शन आप देखिए, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, काफी इजी क्वेश्चन है। निम्न कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, विटामिन, ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन था, ठीक है।
विटामिन, देन मिस्मी जनजाति पूछा था। मिस्मी जनजाति कैसे क्वेश्चन था। अरुणाचल प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या, मतलब किस नदी द्वीप में है, कहाँ पास है, ये आपका असम में है, ये मांजुली नदी द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा हुआ है, स्टेपीज है, कान की जो होती है। दिन भारतीय संविधान में की संसूचित पंचायतों का वर्णन है, ये भी आसान क्वेश्चन था। विश्व प्रसिद्ध देखिए मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। पानी के दबाव की स्थिति में आने वाले पौधों का नाम किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। गारो खासी ये सब कहाँ है, मेघालय में है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक थे, जीएस के ज्यादा कठिन नहीं रहेगी जितना सोचा गया। आप आसानी से 35 से 40 कर ही सकते हैं, नॉर्मल 35 से 40 हो सकते थे। कलमकारी चित्रकला देखिए, ये काफी ज्यादा फेमस कलमकारी चित्रकला है ये, ठीक है। देन देखिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से है। निम्नलिखित पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। देन आपका देखिए गांधी जी ने किस घटना असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। किस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है। देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, फिर भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जीएस की कि आप 35 से 35 क्वेश्चन ना करें, 30 से 35 कर सकते थे। नॉर्मल जो अच्छा बच्चा था वो लगभग लगभग 110 क्वेश्चन कर लिया होगा। एक तो ये भी है कि आप जब पेपर देते हैं तो वहाँ आपको हर चीज थोड़ा सा कठिन लगती है, तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चंस आपको सारे प्रोवाइड कर दिए गए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रोवाइड कर दिए गए। इसका सोल्यूशन जो है आपको शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को कम टाइम पे बना रहे हैं ताकि आपको क्या है कि नेक्स्ट स्टेप वाले जल्द से जल्द आपके इस क्वेश्चन को आप देख सकें और कुछ बहुत टॉपिक जो है आप उसको रिवीजन मार सकें नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। देन देखिए आपको 150 क्वेश्चन हो गया है। तो वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपका हिंदी का अलग से सबका अलग अलग सोल्यूशन करा देंगे। हिंदी का हो गया, रीजनिंग का हो गया और जीएस का होगा। चलिए थैंक यू।